अब जो भी हम पढ़ेंगे वो आप समझ लो कि कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए पढ़ेंगे, मतलब अब जो कुछ भी इलेक्ट्रोस्टैट में कंपटीशन के लिए है, ठीक है। इतनी बात, मेडिकल या नॉन मेडिकल में जो कंपटीशन में सवाल आते हैं वो आप ज़्यादा डील होंगे, ठीक है। इतनी बात, तो सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बिटवीन कंडक्टर्स। पंखा चल रहा कोई? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बिटवीन कंडक्टर्स। अब हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर सपोज ये है और इससे बहुत दूरी पर दूसरा कंडक्टर है। बहुत दूरी पे मतलब सेपरेशन बिटवीन देम इज इनफाइनाइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बिटवीन कंडक्टर्स एट वेरी लार्ज सेपरेशन फ्रॉम ईच अदर। हमारे पास ये दो कंडक्टर हैं, एक दूसरे से काफी दूर हैं, ठीक है। हमने क्या कहा, इस कंडक्टर को हमने चार्ज दिया प्लस Q1। कितना दिया? प्लस Q1। इस कंडक्टर को इनिशियली चार्ज दिया प्लस Q2। अब क्योंकि ये कंडक्टर है तो ये एक इक्विपोटेंशियल बॉडी होगी, इसका पोटेंशियल इस चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग कितना हो गया, V1 इनिशियल, और इसका कितना हो गया, V2 इनिशियल। क्योंकि चार्ज है तो कुछ ना कुछ इनका क्या होगा, पोटेंशियल होगा। हाँ, इसका चार्ज इसके ऊपर कोई फर्क नहीं डाल रहा होगा क्योंकि सेपरेशन क्या है, इनफाइनाइट है। इसका चार्ज इस पे कोई फर्क नहीं डाल रहा होगा क्योंकि सेपरेशन क्या है, इनफाइनाइट है। अब हमने क्या करा, नाउ बोथ आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर। अब इन दोनों को हमने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, कर दिया। अब क्या कहानी है, अब खेल क्या है, इन दोनों में से किसी का, एक का पोटेंशियल ज्यादा होगा दूसरे का कम होगा, ठीक है। इतनी बात भाई, V1 इनिशियल V2 इनिशियल। तो मान लेते हैं इफ V1 इनिशियल इज ग्रेटर देन V2 इनिशियल देन पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम वन टू टू टिल पोटेंशियल ऑफ बोथ बिकम्स इक्वल। पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा वन से टू की तरफ जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ये बात क्लियर है आप लोगों को कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा वन से टू पे जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। यस, ठीक है, क्लियर है आपको। अब मान लेते हैं फाइनल पोटेंशियल दोनों का वी फाइनल, और इसका भी क्या हो गया, वी फाइनल। दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, फाइनली सेम हो जाएगा। इस पे चार्ज हो गया Q1 फाइनली, और इस पे चार्ज हो गया Q2। अब जब हमें कभी ऐसा सवाल इनकाउंटर होगा तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आप एक बात बताओ, कुछ पॉजिटिव चार्ज उठ के इससे इस पे गया है, टोटल चार्ज इनिशियली कितना था? टोटल चार्ज इनिशियली था Q1 प्लस Q2। फाइनली कितना है, Q1 प्लस Q2, छोटा Q1 प्लस छोटा Q2। ये दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि कहीं से चार्ज आया नहीं है, इसी का चार्ज उठ के उस पे गया है। अगर इस पे 10 कूलम था और इस पे 2 कूलम था, इससे 2 कूलम इधर चला गया तो इस पे 4 हो गया, और इस पे कितना हो गया, 8 हो गया। तो 10 प्लस 2 पहले 12 था, और 8 प्लस 4 भी बाद में क्या है, 12 है। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, क्या स्टेप होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहला स्टेप तो यह है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बाद में हम लिखेंगे फाइनल पोटेंशियल ऑफ दिस वन इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल ऑफ टू, एक कंडीशन ये लगाएंगे।
अब इसकी ज्योमेट्री से हमें फाइनल पोटेंशियल मिल जाएगा। अगर ये स्फेयर होता तो क्या होता, के क्यू वन अपॉन आर वन, इसका क्या हो जाता के क्यू टू अपॉन आर टू, तो वहां से आर वन आर टू में हमें रिलेशन मिल जाता। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आप इन दोनों को जब सॉल्व करते तो आपको क्यू वन भी मिल जाता, क्यू टू भी मिल। बेसिकली मुझे इस चीज को अप्लाई करने के लिए इन कंडक्टर्स की क्या पता होनी चाहिए, शेप पता होनी चाहिए, ज्योमेट्री पता होनी चाहिए, ठीक है इतनी बात। तो क्यू वन भी मिल जाएगा, क्यू टू भी मिल जाएगा, और दूसरी चीज वी कॉमन पोटेंशियल भी आप निकाल लोगे, ठीक है इतनी बात। इस तरीके से हम इस सवाल को अप्रोच करेंगे। अगर आपको ये बात क्लियर है तो यस लिखो फटाफट, लेकिन इसके लिए मुझे दोनों कंडक्टर्स की ज्योमेट्री पता होनी चाहिए। अगर ज्योमेट्री नहीं पता है तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर ज्योमेट्री पता होगी तभी मैं पोटेंशियल फाइनल वाला कैलकुलेट कर पाऊंगा, ठीक इतनी बात। अब आगे देखते हैं बेटा, अब हम एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं, उसको जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने थोड़ा सा पढ़ाया हुआ है, दोबारा से पढ़ाऊंगा। व्हेन न्यूट्रल कंडक्टर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जैसे मेरे पास ये कोई न्यूट्रल कंडक्टर है, ठीक है, इसको हमने एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक है इतनी बात। अब मेरी बात ध्यान सुनो, कंडक्टर के अंदर खूब सारा कैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है बेटा, कैसी है, यूनिफॉर्म है। अब आप एक चीज देखो, कंडक्टर के अंदर खूब सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन इस साइड में क्या होने लगेंगे, इकट्ठा होने लगेंगे। यहां पर नेगेटिव इंड्यूस चार्ज आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव इंड्यूस चार्ज। अगर इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है तो उस साइड में पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी भी बढ़ेगी, दिस इज प्लस क्यू इंड्यूस्ड, ठीक है इतनी बात, ठीक। अब जरा देखो, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड आ गया, ठीक है इतनी बात। अब एक बात बताओ, इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप यस लिखो फटाफट। अब देखो जरा, मैंने क्या कहा, न्यूट्रल कंडक्टर को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो क्या कहानी है हमारे पास, क्योंकि कंडक्टर के अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो उस पर फोर्स लगेगा किधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर की तरफ फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज यहां इकट्ठा होगा। अगर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी यहां बढ़ रही है तो इधर से इधर आया नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर किसकी डेंसिटी बढ़ गई, पॉजिटिव चार्ज की, और पॉजिटिव चार्ज की अगर डेंसिटी बढ़ गई तो हम कहेंगे कि एक साइड में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और एक साइड में क्या इंड्यूस हो गया, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। अब इतना क्लियर है तो यस लिख दो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब जरा देखो, अब जरा ध्यान दो, अब एक तो अंदर हमारे पास ई एक्सटर्नल है इधर की तरफ, ये तो है ही, ये तो हमने लगाया हुआ है, अप्लाई कर रखा है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव इंड्यूस्ड और पॉजिटिव इंड्यूस्ड, नेगेटिव इंड्यूस्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव इंड्यूस्ड की तरफ होगा और पॉजिटिव इंड्यूस्ड का उससे अवे होगा, तो एक इधर की तरफ ऐसे करके इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होगी, एक ऐसे करके इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होगी या नहीं होगी। अगर ये बात क्लियर है तो लिखो यस, ठीक है। अब मजेदार बात देखो, इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है, कितना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट इज वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल प्लस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का रिजल्टेंट है, क्या नहीं है,
इस सिनेरियो में भी ये कंडक्टर है कैसा? न्यूट्रल, क्योंकि हमने कोई चार्ज दिया नहीं है ना कोई लिया है। एक्चुअल में हुआ क्या हमारे पास? सिर्फ चार्ज का क्या हुआ? रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सेपरेशन हुआ, ठीक है इतनी बात। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर कितना हो गया? इंड्यूस, समझ में नहीं आया बेटा, इंड्यूस्ड ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेंगे कि नहीं करेंगे? और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे तो नेगेटिव इंड्यूस वाला अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और पॉजिटिव वाला अपने से दूर जाएगा, तो उन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर की तरफ होगी कि नहीं होगी? क्योंकि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव है, नेगेटिव वाले की साइड में नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और पॉजिटिव वजह से फिर से अगेन नेगेटिव की साइड में होगा। तो इस वजह से क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस वाला इधर नेगेटिव साइड में होगा टोटल। अब क्या कहानी है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रही है वो इन दोनों का क्या रहा है? वेक्टर समान है। अब देखो, इफ, अब ध्यान सुनना, इफ ई नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, मान लेते हैं अगर ई नेट जीरो नहीं हुआ अभी, ठीक है इतनी बात, अगर ई नेट जीरो नहीं हुआ, तो मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूं, देखो एक मिनट, वही कंडक्टर दोबारा से, अगर ई नेट जीरो नहीं है, कुछ है अभी भी, देखो पहले यहां पर छह नेगेटिव बनाया था मैंने और यहां पर छह पॉजिटिव बनाया था, अगर ई नेट जीरो नहीं है तो अभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रहा होगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फर्दर किधर आएंगे? इधर आएंगे, और इधर आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी इधर फर्दर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अब पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी इधर बढ़ेगी, तो इफ ई नेट इज नॉट जीरो, ठीक है, देन इंड्यूस्ड चार्जेस फर्दर इंक्रीज, देयरफोर ई इंड्यूस्ड ऑल्सो इंक्रीजेस। बेटा एक बात बताओ, अगर ई नेट अंदर जीरो नहीं हुआ तो मतलब अंदर कंडक्टर के कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अंदर कंडक्टर के अगर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेगेटिव चार्ज पे अगेन फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या लगेगा? अपोजिट लगेगा, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, यहां नेगेटिव बढ़ेगा तो यहां पॉजिटिव बढ़ेगा, और अगर यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव बढ़ रहा है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर की तरफ आई थी वो फिर से क्या करेगी? बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? अगर क्लियर है तो यस लिखो फटाफट। अब अगर बढ़ेगी तो जरा देखो, ये इंड्यूस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से बढ़ रही है, तो अब एक बात बताओ, इंड्यूस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल के उल्टी लग रही थी कि नहीं लग रही थी? तो अगर ये बढ़ रही है तो ई नेट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये ई एक्सटर्नल आगे की तरफ है, ई इंड्यूस क्या है? पीछे की तरफ है, तो ई एक्सटर्नल आगे की तरफ, ई इंड्यूस पीछे की तरफ, तो अगर ई इंड्यूस बढ़ता है फर्दर तो इसका मतलब ई नेट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। सो ई नेट डिक्रीजेस इनसाइड कंडक्टर, ई नेट डिक्रीजेस इनसाइड कंडक्टर एंड एट सम गिवन एट सम इंस्टेंट ई नेट, क्योंकि जब तक ई नेट होगा जिंदा तब तक यहां नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ई इंड्यूस क्या कहेगा? बढ़ता रहेगा उल्टी डायरेक्शन में, तो एट सम इंस्टेंट ई नेट विल बिकम जीरो। सम इंस्टेंट क्या? तुरंत हो जाता है बेटा, ये मैंने लिखा आपको समझाने के लिए बताया है कि थोड़ी देर बाद ई नेट जीरो हो जाएगा, लेकिन तुरंत ही क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, तुरंत डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इतना, और ई नेट अंदर क्या आ जाएगा? तुरंत जीरो आ जाएगा, तो ई नेट अंदर क्या हो गया? जीरो हो गया। अब मजेदार बात देखो, फाइनली ई नेट क्या हो गया? जीरो। तो अब बना लेते हैं, ये हमारे पास कंडक्टर है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, अभी भी कैसा है? न्यूट्रल है। फाइनल सिचुएशन ये हो गई,
अब अगर फाइनल सिचुएशन ये हो गई और ई नेट जीरो हो गया, तो यहां से देखो जीरो इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल वेक्टर प्लस ई इंड्यूस्ड वेक्टर, ठीक है इतनी बात। तो ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस ई एक्सटर्नल। इससे क्या पता चला कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, ई इंड्यूस्ड मैग्नीट्यूड में ई एक्सटर्नल के बराबर है, ठीक है, एंड ई इंड्यूस्ड एंटी पैरेलल टू ई एक्सटर्नल वेक्टर है एट एवरी पॉइंट इन कंडक्टर, एट एवरी पॉइंट इन कंडक्टर। कितने लोगों को ये बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस लिखो फटाफट। अब बात करते हैं दूसरी, मिटा दें इसे। अब मेरी बात सुनो, व्हेन न्यूट्रल कंडक्टर इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है इतनी बात, नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मान लो हमारे पास ये कोई न्यूट्रल कंडक्टर है, ठीक है इतनी बात। मैंने यहां पर एक पॉइंट चार्ज रख दिया प्लस क्यू, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होती, आपको पता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है और स्फेरिकली रेडियल होता है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं इसकी जरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस बना देता हूं, ऐसे 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 अब आप एक चीज देखो, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज खींचा जाएगा, तो यहां क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहां उसके कॉरस्पॉन्डिंग उतना ही क्या पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, कुछ इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाएगा। माइनस क्यू इंड्यूस और प्लस क्यू इंड्यूस। अब एक मजेदार बात देखो, किसी भी पॉइंट पर अगर हम अंदर बात करें तो यहां पर ऐसे करके क्या है ई एक्सटर्नल है, ठीक इतनी बात, और ऐसे करके ई इंड्यूस मान ली हमने, अपने आप आ जाएगा भी, मैं इधर भी बना सकता था, वो अपने आप आ जाएगा कि इसके बिल्कुल अपोजिट आएगा, अभी पता चल जाएगा। ई इंड्यूस बना लिया हमने, तो ई नेट इस जगह पर कितना हुआ, ऐसा कुछ, तो ई नेट इज अगेन व्हाट, ई एक्सटर्नल वेक्टर प्लस ई इंड्यूस्ड वेक्टर, ये हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है इतनी बात। अब एक मजेदार बात देखो, अगर ऐसा हो गया, ठीक है इतनी बात, तो अब आप देखिए, जब तक ई नेट, इफ ई नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, अभी भी न्यूट्रल कंडक्टर है बेटा, कैसा है न्यूट्रल है, ये सिर्फ सेपरेशन ऑफ चार्जेस हुआ है, ठीक है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इफ ई एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन फर्दर इंड्यूस्ड चार्जेस विल इंक्रीज, therefore, E
ई इंड्यूस्ड विल ऑल्सो इंक्रीज, हाँ या ना? और अगर ई इंड्यूस बढ़ता है, एक्सटर्नल के अपोजिट आ रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देयर फोर ई नेट डिक्रीजेस एंड एट सम इंस्टेंट ई नेट बिकम्स जीरो। अब फर्दर रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, जीरो हो गई। अब तो और कोई चार्ज इधर नहीं आएगा, ना उधर पॉजिटिव बढ़ेगा ना इधर नेगेटिव बढ़ेगा, तो ई नेट क्या हो गया, जीरो हो गया। नाउ कंडीशन ऑफ स्टैटिक चार्जेस इज ऑब्टेन्ड। अब चार्जेस रेस्ट पे आ गए कि नहीं आ गए, ये देखो ये वाला फिक्स हो गया, यहां पर जितना आना था आ चुका है, यहां पर जितना आना था आ चुका है, अब और फर्दर नहीं आएगा। नाउ कंडीशन ऑफ स्टैटिक चार्जेस इज ऑब्टेन्ड एंड यहां से आ जाओ, जीरो इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल प्लस ई इंड्यूस्ड, ठीक इतनी बात। तो क्या हो गया जरा देखो, ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस ई एक्सटर्नल। अगेन क्या बात पता चली कि एट एवरी पॉइंट इनसाइड कंडक्टर, एट एवरी पॉइंट इनसाइड कंडक्टर ई इंड्यूस का मैग्नीट्यूड उस पॉइंट पे ई एक्सटर्नल के मैग्नीट्यूड के बराबर है एंड ई इंड्यूस्ड एंटी पैरेलल टू ई एक्सटर्नल है। क्लियर इतनी बात? अगर इतनी बात आप लोगों को क्लियर है तो यस लिख दो फटाफट। अब थोड़ा सा और बात करते हैं बेटा। अब क्या कहानी बेटा, अब हम बात करें इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट प्लेस्ड इन इनफाइनाइट न्यूट्रल, कंडक्टिंग शीट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है भाई। तो ये हमारे पास इनफाइनाइट न्यूट्रल कंडक्टिंग शीट है, इसका एक फेस ये हो गया और एक फेस ये हो गया, नीचे इंफिनिटी ऊपर इंफिनिटी, ठीक इतनी बात। ये कंडक्टर है हमारा, ये क्या हमारा कंडक्टर, क्लियर है। अब इसको हमने रख दिया ई एक्सटर्नल में और कैसा यूनिफॉर्म। अब मुझे बताना है कि इस फेस पे कितना इंड्यूस चार्ज आएगा और इस फेस पे कितना इंड्यूस चार्ज आएगा, सारी बातें करनी है, ठीक है इतनी बात। अब आप एक चीज देखो बेटा, ठीक है, सीधी सी बात है, इस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस आएगा, ठीक है, माइनस क्यू इंड्यूस, और इस पे क्या आएगा प्लस क्यू इंड्यूस, रहेगा न्यूट्रली क्योंकि पहले से न्यूट्रल था, कोई चार्ज हमने दिया नहीं लिया नहीं। अब कहानी क्या है, अंदर इस पॉइंट पे या हर पॉइंट पे ई नेट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ई नेट जीरो होना चाहिए अंदर हर पॉइंट पे, तो ई एक्सटर्नल तो इधर है, इंड्यूस्ड किधर है, इधर, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज एक फेस पे है और एक सरफेस पे है, इनफाइनाइट सरफेस पे, तो इधर की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज एक फेस पे है और इनफाइनाइट शीट है तो इधर, तो ई इंड्यूस टोटल इधर आ गया। हमें साफ साफ दिख रहा है फॉर ई नेट टू बी जीरो, ई एक्सटर्नल या वेक्टर फॉर्म में कर लें, ई नेट जीरो,
ठीक है, तो ई एक्सटर्नल प्लस ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू जीरो. तो ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस ई एक्सटर्नल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन साइड कंडक्टर. यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, बराबर है. ई इंड्यूस्ड हर पॉइंट पे एन टी, देखो मैं कई बार लिखा चुका हूं, अब गलती करोगे मरोगे. ई इंड्यूस्ड एन टी पैरेलल टू ई एक्सटर्नल, आज के ही लेक्चर में तीसरी बार आ रहा है, ठीक है, इतनी बात. और ई इंड्यूस्ड का मैग्नीट्यूड किसके बराबर, ई एक्सटर्नल के बराबर. चलो अब ई इंड्यूस्ड कितना होगा, एक बात बताओ, हमने पढ़ा था अगर कोई इन्फाइनेट शीट है उसके एक फेस पे चार्ज है, उसके क्या है, एक फेस पे चार्ज है, क्या है, एक फेस पे चार्ज. मान लो ये वाली नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कितनी, सिग्मा इंड्यूस, उतना इधर भी आया, तो ये कितना, प्लस सिग्मा इंड्यूस. तो हमें पता है अगर कोई इन्फाइनेट शीट है और उसके एक ही फेस पे चार्ज है, तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से क्या होती थी, उसके आसपास यूनिफॉर्म होती थी इधर इधर और इधर इधर, कितनी, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट. तो इसका मतलब अगर मैं ई इंड्यूस देखूं, पहले ई इंड्यूस लिख लें, इसका माइनस सिग्मा है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ कितनी, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी प्लस सिग्मा है इसकी वजह से इधर, तो दोनों ऐड हो रहे हैं, कितना, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट. तो टोटल इंड्यूस्ड इज व्हाट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंड्यूस्ड, सिग्मा इंड्यूस्ड, सिग्मा इंड्यूस्ड. ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बात कितने लोगों को क्लियर है, जो मैंने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी, क्लियर है, ठीक है. अब हो गया बात खत्म. तो अब हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा इंड्यूस अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल, आगे कि नहीं आ गया. तो सिग्मा इंड्यूस्ड इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई एक्सटर्नल, मैग्नीट्यूड में चार्ज डेंसिटी ये आ रही है हमारे पास, इस फेस पे कंडक्टर के और इस फेस पे कंडक्टर के, सरफेस चार्ज डेंसिटी एप्सिलॉन नॉट इनटू ई एक्सटर्नल आ रही है. अगर मुझे इस सरफेस का एरिया पता है, सपोज, हालांकि इनफाइनाइट है नहीं पता है, तो क्यू इंड्यूस भी आ जाएगा मैग्नीट्यूड में, सिग्मा इंड्यूस इज व्हाट, क्यू अपॉन ए, तो क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए इनटू ई एक्सटर्नल, ये मैग्नीट्यूड हो गया चार्ज का जो दोनों फेसेस पे आएगा. क्लियर है इतनी बात, अगर क्लियर है तो यस लिखो फटाफट. अब एक और चीज देखते हैं बेटा, ठीक है, इसके बाद अब मैंने लिखा चार्ज्ड, या उसी में अभी एक चीज और, एक चीज भूल गए हम, उसी को पहले कंप्लीट करते हैं. ये हमारे पास आ गया, ये इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है, उसी को थोड़ा सा कंप्लीट कर लें. यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, माइनस सिग्मा इंड्यूस, माइनस क्यू इंड्यूस, प्लस सिग्मा इंड्यूस, प्लस क्यू इंड्यूस, ई एक्सटर्नल. तो हमारे पास क्या आया था, ई नेट अंदर क्या आ गया, जीरो, मैं रिजल्ट्स लिख रहा हूं. सिग्मा इंड्यूस आया था हमारे पास मैग्नीट्यूड में एप्सिलॉन नॉट इनटू ई एक्सटर्नल, और क्यू इंड्यूस आया था हमारे पास मैग्नीट्यूड में एप्सिलॉन नॉट ए इनटू ई एक्सटर्नल, ये आया था. अब मजेदार बात देखो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो. अब मैं आपसे कहता हूं, अब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, यहां पर और यहां पर कितनी है, इसके बाहर, कंडक्टर के अंदर तो जीरो, बाहर क्या है, तो जरा देखो बाहर ई एक्सटर्नल तो है ही, ऐसे है ऐसा, ये तो है. अब हम इंड्यूस देखें, ये क्या है, नेगेटिव सिग्मा इंड्यूस, तो इसकी वजह से कितना, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इधर की तरफ, ठीक है, इतनी बात. और ये क्या है, प्लस सिग्मा, तो इसकी वजह से सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट. तो जो ई नेट आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ई एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो इंड्यूस चार्जेस हैं, जरा देखो, इसकी वजह से अंदर और इसकी वजह से किधर, बाहर, एक दूसरे को और बराबर मैग्नीट्यूड है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं. तो बचा कौन, सिर्फ ई एक्सटर्नल बचा. तो इस
कंडक्टर के बाहर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल के बराबर है, इंड्यूस चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड में बाहर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। यहां आ जाए, यहां पर भी सेम ई एक्सटर्नल, इधर इसकी वजह से नेगेटिव सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से अवे सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर भी ई नेट जो आ रहा है किसके बराबर आ गया, ई एक्सटर्नल के बराबर। ठीक है, इतनी बात। तो इंड्यूस चार्जेस इस केस में बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी क्या ई एक्सटर्नल है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, इतनी बात। कितने लोगों को ये बात क्लियर है, यस लिखो फटाफट। अब हम रखते हैं चार्ज्ड इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखते हैं बेटा, चार्ज्ड है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हमारे पास एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है, ठीक, इसको हमने चार्ज दे दिया टोटल प्लस क्यू। बेटा ऑब्वियस सी बात है, कंडक्टर है तो चार्ज कहां आएगा, सरफेस पे आएगा, कहां आएगा, सरफेस पे आएगा। ठीक है, इसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया यूनिफॉर्म ऐसे, अब क्या कहानी होने वाली है, अब डिटेल में देखते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन है, कल कई लोगों ने पूछा था, ठीक है, उसी क्वेश्चन की वजह से थ्योरी बता रहा हूं। ठीक है, थ्योरी और क्वेश्चन बेटा एक साथ ही चलते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, मान लेते हैं यहां पर चार्ज, क्योंकि एक्सटर्नल इधर की तरफ है, ठीक है, इतनी बात। यहां पर चार्ज आया, मान लेते हैं नेगेटिव, कुछ भी मान सकते हो बेटा, पॉजिटिव मान लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये इंड्यूस चार्ज आया माइनस क्यू इंड्यूस्ड, ठीक है। अब यहां पर माइनस क्यू इंड्यूस आया, यानी कि माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड। तो यहां पर इस, अगर नेगेटिव इधर खींचा है कुछ, ठीक है, इतनी बात, तो उतना ही पॉजिटिव भी आएगा यहां, प्लस क्यू इंड्यूस। और एक और चीज बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज भी उधर ही जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो इसको क्या मान लें, प्लस क्यू। या एक और तरीका कर सकते हैं आप भूल जाओ, आप क्या कर सकते हो, इंड्यूस चार्जेस को छोड़ो, आप ऐसे कह सकते हो यहां पर टोटल चार्ज, ठीक है, इतनी बात, इंड्यूस्ड और जो भी इससे आया होगा उसको ले लिया हमने प्लस क्यू, और यहां पर कितना, प्लस क्यू माइनस क्यू, क्योंकि इंड्यूस चार्जेस अगर मैं टोटल सम करूं तो इंड्यूस चार्जेस क्या हो जाते हैं, जीरो ही हो जाते हैं नेट। ठीक है, इतनी बात। आप ऐसा समझ लो कि भाई यहां पर प्लस क्यू और यहां पर क्या, क्यू माइनस क्यू, मान सकते हो या नहीं मान सकते इस बात को, ठीक है, अगर मान सकते हो तो यस लिखो, नहीं तो मैं दूसरा भी कुछ बताता हूं आपको, मान सकते हैं, ठीक है, चलो। अब आप एक चीज देखो, इस जगह पर अंदर ई नेट कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये कंडक्टर है, भले कोई भी सिचुएशन हो ई नेट क्या होना है, जीरो होना है। हाँ, इसको माना मैंने सिग्मा वन और इसको माना मैंने सिग्मा टू, क्या माना, सिग्मा वन और सिग्मा टू। अब ई नेट यहां पर क्या है, जीरो, एक तो किसकी वजह से होगा, ई एक्सटर्नल इधर की तरफ, सिग्मा टू की वजह से इधर की तरफ पॉजिटिव है, सिग्मा टू अपॉन कितना, टू एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से उधर सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होनी है, तो इन दोनों का सम इसके बराबर, तो क्या होना चाहिए, ई एक्सटर्नल प्लस
सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया हमारे पास, पक्का क्लियर है। ठीक है, आप एक काम करो बेटा, इसको Q1 मान लो, आपको ज्यादा सही रहेगा, और इसको क्या मान लो, Q2 मान लो। एंड Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q, एक इक्वेशन में, क्योंकि टोटल चार्ज तो यही था इस पे, ऐसा करना ज्यादा फीजिबल होगा। अब आप क्या करो, ये आ गया हमारे पास, तो 2 एप्सिलॉन नॉट ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1, ये आ गया अपने पास सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1। ठीक है, इतनी बात। अब सिग्मा 2 इज व्हाट, सिग्मा 2 इज Q2 अपॉन A, सिग्मा 1 इज Q1 अपॉन A, तो क्या हो गया Q2 माइनस Q1, ठीक है इतनी बात, इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट A E एक्सटर्नल। ये इक्वेशन 2 हो गया हमारे पास, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब सॉल्व कर लेते हैं बेटा, दोनों को ऐड कर देता हूं मैं, तो मेरे पास क्या आता है, Q1 Q1 कट जाएगा, 2 Q2 इज इक्वल टू Q प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू ई एक्सटर्नल। तो जरा देखो, Q2 किसके बराबर आ गया, Q बाई 2 प्लस एप्सिलॉन नॉट A इंटू ई एक्सटर्नल। ये आ गया कि नहीं आ गया, देखो मजेदार बात, ऐसा ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और होना भी चाहिए था, क्योंकि इस पे इंड्यूस, ये अगर आप इस Q को गायब कर दें तो इस पे इतना ही पॉजिटिव आया था कि नहीं आया था पिछले केस में, याद करो। और Q1 देखो, Q1 अगर हम सॉल्व करें तो Q1 आता है Q2 by 2 minus epsilon not A E external। अगर मैं Q को गायब कर दूं तो इस वाले फेस पे minus epsilon not A into E external आया था कि नहीं आया था, अगर आपको ये बात क्लियर है तो यस लिखो फटाफट जल्दी से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। रीकैप, मैं सीधी सी बात है, मैंने यहां Q2 माना या Q1 माना, यहां पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2, यहां सिग्मा 1, अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी है, अंदर है किसकी वजह से, एक तो ई एक्सटर्नल है, एक इसकी सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और एक इसकी सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, नेट जीरो है, तो इन दोनों का सम इसके बराबर कर दिया। और दूसरा Q1 प्लस Q2 इसके बराबर है, क्यों के, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इतना ही चार्ज था। अब जब दोनों इक्वेशन सॉल्व करी हमने तो हमें ये रिजल्ट मिल गया। अब देखो ये रिजल्ट बिल्कुल पिछले वाला ही है, अभी क्यू को जीरो कर दो, आप क्यू को जीरो कर दो तो इस स्पेस पे क्या आया था, एप्सिलॉन नॉट ए ई एक्सटर्नल प्लस वाला, और इस पे क्या आया था, माइनस एप्सिलॉन नॉट ए ई एक्सटर्नल। अब मैं शॉर्टकट बता देता हूं, अगर किसी भी कंडक्टर को, इनफिनिट कंडक्टिंग शीट को आपने चार्ज दे रखा है, तो जो चार्ज दे रखा है आधा आधा दोनों साइड पर डाल दो, ठीक है, और बाकी आपका इंड्यूस वाला अलग से लिख दो उसके ऊपर साथ में, ठीक है। बस ये देखना कि इंड्यूस वाला कहां पर नेगेटिव आएगा, कहां पर पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा, नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर है, अब क्लियर है या नहीं, क्लियर है, चलो। अब वैसे वीडियो मिल जाएगा, आप चिंता ना करो, ये आ गया अपने पास। इसके बाद एक और चीज करते हैं बेटा, अब इसी तरीके से अगर हमारे पास ये इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है, अब मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ले रहा हूं, चार्ज कंडक्टिंग शीट ले रहा हूं, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा हूं, इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट, ठीक है इतनी बात। इसको मैंने चार्ज प्लस क्यू दिया, तो मुझे बताना है दोनों साइड फेसेस पे चार्ज कितना आएगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया यहां प्लस क्यू वन, क्योंकि सारा सरफेस पे आना है, यहां प्लस क्यू टू, ठीक है इतनी बात। अब इस वाले पे प्लस क्यू वन, इस पे क्या, प्लस क्यू टू, ठीक है। तो यहां प्लस सिग्मा वन और यहां प्लस सिग्मा टू, ठीक है। अब एक बात है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के क्या होती है, जीरो होती है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से इधर सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है इतनी बात। तो क्योंकि ई नेट जीरो है, इस वजह से सिग्मा वन विल बी इक्वल टू सिग्मा टू, इन दोनों को इक्वेट करोगे सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा टू, सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा टू आ गया। एक चीज और, क्यू वन प्लस क्यू टू इज इक्वल टू वॉट क्यू, अब सिग्मा वन इज वॉट क्यू वन अपॉन ए
एंड दिस इज क्यू टू अपॉन ए, तो ए से ही कट गया, क्यू वन इज इक्वल टू क्यू टू, सॉल्व कर लो कितना आ गया प्लस क्यू बाई टू, तो इधर भी प्लस क्यू बाई टू, इधर भी प्लस क्यू बाई टू, अभी ध्यान सुनना, तो यहां प्लस सिग्मा और यहां प्लस सिग्मा, ये आ गया कि नहीं आ गया। इसी वजह से कंडक्टिंग शीट इन्फानेट के यहां पर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी कितना सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही निकाला था कि नहीं निकाला था हमने बाहर, सेम वे इधर आ जाओ, इसकी वजह से सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई नेट, तो ई नेट कितना हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा ही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने, अगर आपको याद हो तो, अगर याद हो इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आसपास क्या होती थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आ गया दोबारा से, कई तरीकों से बता रहा हूं मैं आपको क्या क्या करना है, ठीक है, और मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिया, अगर इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है तो जो भी चार्ज दिया आधा इधर आ जाएगा आधा इधर आ जाएगा, ठीक है इतनी बात, और वो दिख भी रहा है क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी है जीरो होनी है, ठीक है। अब इसको खत्म करें, एक और देखते हैं बेटा, अब मैंने क्या करा, अब ध्यान देना, टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट्स एज शोन, एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट ये है, बेटा इनफाइनाइट है, ठीक है, मैंने बना दिया इधर की तरफ इन्फिनिटी, ये शीट वन, ये दूसरी, शीट टू। अब इसको चार्ज दिया हमने प्लस क्यू वन, दोनों को दे देते हैं आपका सवाल खत्म ही हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्यू टू, ऐसा कर दिया हमने, क्लियर है। अब ध्यान देते हैं बेटा, मान लेते हैं यहां पर चार्ज आया एक्स, यहां पर वाई, यहां पे जेड और यहां पे डब्ल्यू, सारे पॉजिटिव। अब एक बात बताओ, एक्स प्लस वाई यही वाला चार्ज होगा क्योंकि कंजर्व है चार्ज, इस ये चार्ज ही कंडक्टर पे है तो यहीं पे आउटर सरफेस पे जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इज क्यू वन और जेड प्लस डब्ल्यू इज व्हाट क्यू टू, एक तो ये कहानी आ गई, ठीक है इतनी बात। दूसरी चीज बेटा, अगर ये सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है, सिग्मा जेड, सिग्मा डब्ल्यू, तो हमें एक बात पता है, यहां पर ई जीरो, यहां पर भी ई जीरो, क्योंकि दोनों क्या हैं कंडक्टर हैं, दोनों क्या हैं कंडक्टर हैं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जीरो। अब मुझे बताओ अगर इतना लिखने में किसी को दिक्कत हो तो यस लिखो। अब हम एक काम कर सकते हैं, यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं इस पॉइंट वन पे, यहां पे पॉइंट टू पे, तो वन पे देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा एक्स अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट उधर, तो उधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मैं राइट साइड में लिखता हूं और इधर वाली लेफ्ट साइड में लिखता हूं, ठीक है इतनी बात। तो जरा देखो यहां लिख देते हैं सिग्मा एक्स अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इधर, इसकी वजह से इधर सिग्मा वाई अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से बेटा इधर कितना सिग्मा जेड अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है इतनी बात। इसकी वजह से भी इधर, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ले रखा मैंने, सब पॉजिटिव ले रखे हैं, अपने आप नेगेटिव आना होगा आ जाएगा, तो सिग्मा डब्ल्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो गया सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हम, ठीक है इतनी बात। अब इसको x अपॉन a लिख सकते हैं, इसको w अपॉन a लिख सकते हैं, इसको
वाई अपॉन ए लिख सकते हैं, इसको जेड अपॉन ए, तो हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस वाई प्लस जेड। ये कहानी आ गई, ठीक है इतनी बात। अब यहां पर देख लें, यहां पर जरा देखो, इन तीनों की वजह से उधर और इसकी वजह से इधर, तो क्या हो गया, सिग्मा डब्ल्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा वाई अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा जेड अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया। अब ये क्या हो गया, W इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है इतनी बात। अब एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, चार इक्वेशन, ये चार इक्वेशन है या नहीं है, ठीक इतनी बात। और कितने वेरिएबल है हमारे पास, चार वेरिएबल है भाई, कितने वेरिएबल है, चार वेरिएबल है और चार इक्वेशन है। क्या इनको आप सॉल्व कर सकते हो, समझ नहीं आया, समझ क्या नहीं आया, देखिए कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख, इसकी वजह से इधर हो गया सिग्मा एक्स अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से सिग्मा वाई अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये भी पॉजिटिव है तो इसकी वजह से सिग्मा जेड अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये भी पॉजिटिव है इसकी वजह से सिग्मा डब्ल्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, तो इधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाले के बराबर लिख दिया। अब टू एप्सिलॉन नॉट कट गया, ये आ गया, सिग्मा एक्स को क्या लिख सकता हूं, चार्ज अपॉन एरिया, सिग्मा डब्ल्यू को क्या लिख सकता हूं, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, एरिया सबके सेम है, कट गया, ये आ गया कि नहीं आ गया। इसी तरीके से यहां पर आ जाए भाई, यहां पर अगर हम देखें, इधर है सिग्मा डब्ल्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से सिग्मा एक्स अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से सिग्मा वाई अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से सिग्मा जेड अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, लिख दिया मैंने इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाला, ठीक है इतनी बात। अब क्या आ गया, सिग्मा एक्स, सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू अपॉन ए, एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन ए, जेड अपॉन ए, ए कट गया, ये आ गया। अब भैया एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन और चार इक्वेशन, ये चार इक्वेशन तो आसानी से सॉल्व हो सकती हैं। मैथ्स वाला स्टूडेंट है गगनदीप, आज लेक्चर यहीं छोड़ेंगे, ठीक है, कल आगे बढ़ेंगे।